भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, यहाँ उपस्थित तमाम पदाधिकारी और उपस्थित मेरे सभी नौजवान साथियों, पश्चिम बंगाल का चुनाव आ रहा है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन का नारा लगाया है। परिवर्तन का, ये परिवर्तन केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं है, ये केवल राज्य का परिवर्तन नहीं है, ये समाज का परिवर्तन हमको करना है, इसलिए हम मैदान में उतरे हैं। ये केवल एक मुख्यमंत्री को बदलेंगे और दूसरा मुख्यमंत्री बनाएंगे यहाँ तक सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल के एक एक आदमी का विकास, छोटे से छोटे आदमी का विकास, महिलाओं का विकास, किसानों का विकास, युवाओं को रोजगार, यहाँ के जन जन को न्याय देने के लिए ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। हम सभी लोग जानते हैं, ये पश्चिम बंगाल एक समय हम कहते थे सोनार बांग्ला, वो सोनार बांग्ला का सोना टीएमसी वाले चुरा कर ले गए, टाका डाल दिया, टाका मार कर ले गए। लेकिन चिंता मत करना, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, अमित भाई शाह जी के और नड्डा जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के सोने का एक एक टुकड़ा बीजेपी वापस लाएगी, जो लेकर गए उनसे वापस लाएगी। और नित्यानंद जी ने जैसे बताया, जिन्होंने पश्चिम बंगाल पर टाका डाला उनको जेल में डालेंगे और पश्चिम बंगाल को फिर एक बार सोनार बंगला बनाएंगे, ये हमारा वादा है। दोस्तों, मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, बंगाल के अंदर हम जय श्री राम कहते हैं तो ममता दीदी को गुस्सा आता है। अरे भाई, जय श्री राम ये बंगाल में नहीं तो क्या पाकिस्तान में कहा जाएगा, क्या बांग्लादेश में कहा जाएगा? हमारे तन में राम, हमारे मन में राम, हमारे रोम रोम में राम है। अगर हमारे रोम रोम में राम है तो राम तो बाहर निकलेंगे ही, और हमको जय श्री राम कहने से कोई रोक नहीं सकता। जय श्री राम ये केवल नारा नहीं है, अब ये परिवर्तन का मंत्र है, और जय श्री राम के साथ परिवर्तन होगा। इस बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, एक ऐसी सरकार जो सामान्य आदमी को न्याय तो देगी और साथ साथ जय श्री राम भी बोलेगी, ऐसी सरकार इस पश्चिम बंगाल में हम लाने जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं कि इस चुनाव में परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए, डरने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई मामूली पार्टी नहीं है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तैयार की हुई पार्टी है। जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वहां पर कश्मीर में जाकर एक देश में दो प्रधान दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे ऐसा कहकर अपने प्राणों की आहुति दी, उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ये भारतीय जनता पार्टी है। इस बंगाल में भी हमारे 150 कार्यकर्ताओं ने आहुति दी है, इनका बलिदान व्यर्थ नहीं होगा। परिवर्तन होगा, 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 बोलिए होगा कि नहीं होगा? परिवर्तन होवे, परिवर्तन होवे, परिवर्तन होवे, तो फिर बोलिए जय श्री राम।